से बढ़कर नासूर बन गई। बड़े केसेस को ठोस शवाहिद और कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना वरीन दर्जी है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन नैप, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं करप्शन को जड़ से उखाड़ना होगा। रिश्वत सतानी से गुरेज करें तो पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क बन सकता है। अगर इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं ना मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों, इसलिए नहीं दिए कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन के और फेडरल मिनिस्टर। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो ही इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं चोरों लुटेरों को सजा न मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। करप्शन को न पकड़ा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। करप्शन का एक ऐसा खात्मा होगा कि लोग याद रखेंगे। पिशावर में खिताब के दौरान कहा आवाम ने किसी चोर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए वोट नहीं दिए। लोगों ने इमरान खान को इसलिए वोट दिए कि करप्ट लोगों को जेल हो। नवाज शरीफ को होगी जेल या बरियत, एहतसाब अदालत अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कल सुनाएगी। साबिक वजीर आजम फैसला सुनने अदालत पहुंचेंगे। नैब भी तैयार, नवाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए चार टीमें तश्कील। नून का नवाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट में एहतजाज का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात। एहतसाब अदालत के मुतवक्के फैसले पर मुशावरा। नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस की 183 समातें। साबिक वज़ीर आज़म की 130 बार पेशी, 49 समातों पर हाजिरी का इस्तिस्ना दिया गया। 38 गवाहों के बयान क्रम बंद। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मरतबा ट्रायल की मुदत में तौसी की। दो हजार 16-17 में उन्होंने कहा कि 200 अरब से ज्यादा रुपए का हिसाब ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जब हमने उनसे मांगा तो कहते हैं जी इसके कागजात नहीं है। जिस बेदर्दी से आपने कौम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। यकीन है मुल्की दौलत लूटने वालों को सजा जरूर मिलेगी। करप्ट हुक्मरानों को सख्त सजा मिलने तक करप्शन खत्म नहीं होगी। करप्ट अफराद की जायदाद जब्त होनी चाहिए। वजीर आजम के सियासी मुशीर नईमुल हक की मीडिया से गुफ्तगु। सबका एहतसाब कबूल, इंतकाम की मुखालिफत करेंगे। मिसाके जमहूरियत से तकलीफ क्यों है? पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना है इमरान खान एहतसाब के लिए अलीमा खान, अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन को पेश करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 28 दिसंबर को तरब। चेयरमैन शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। नैब और एफआईए को एडिशनल डायरेक्टर जनरल से कम ग्रेड के ऑफिसर को ना भेजने की हिदायत। आबिद शेर अली और फैसल वागदा की लड़ाई में नया मोड़। लीगी रहनुमा ने वफाकी वजीर की जायदाद पर सवालात उठा दिए। कहा आपके जराए आमदन क्या हैं? क्या जायदाद विरासत में मिली या खुद बनाई? 5 साल में कितना टैक्स दिया? स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आलमी सतह पर मुल्की तन्हाई का खात्मा किया। अमरीका, ईरान और खत्ते के दीगर ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी में खामोश डिप्लोमेसी का मौसर अमल दखल है। करतारपुर बॉर्डर खुलने से पहली बार भारत की कयादत सिफारती महाज पर बैकफुट पर नजर आ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खिदमात का एतराफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारूफ सनतकार गौहर एजाज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। मुल्क की सनत के फरोग में गौहर एजाज का अहम किरदार। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी से मेरा गहरा ताल्लुक है। उम्मीद है कानून की बालादस्ती के लिए तलबा अपना किरदार अदा करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में खिताब।
खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी। कराची समेत सिंध में 139 सीटों पर वोटिंग, वोटों का टर्नआउट इंतहाई कम। कुछ मकामात पर मीडिया कवरेज पर पाबंदी, मर्दान में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग। हर मीठी चीज आइसक्रीम नहीं होती। पंजाब फूड अथॉरिटी के लाहौर में छापे, चमन समेत कई मारूफ ब्रांड्स की आइसक्रीम इंसानी सेहत के लिए मुद्दे सेहत करार। 10 आउटलेट से 3052 लीटर आइसक्रीम हटवा दी गई। की शिद्दत में इजाफा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सकरदू का पारा -17 डिग्री तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। शेखुपुरा में मोटरवे पर हादसा, 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिश्ते का तनाजा, 2 जाने ले गया। कोयटा के इलाके के नवाखली में फायरिंग से 2 भाई जां बहक, 1 जख्मी हो गया। फैसलाबाद जिरई यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की मुश्तरका काविश, कोहाट से 5 करोड़ साल पुरानी मछलियों के बाकियात बरामद। प्रोफेसर खिजर समी का कहना है कि ऐसी मछलियां इब्तदाई यूसिन दौर में ताजा पानियों में पाई जाती थी।